हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक आज करेंगे इस वीडियो में फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं जो उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस और उसकी नेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें हम 14 प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट के फ्योल द्वारा दिए हुए जनरल मैनेजमेंट के, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल टास्क। सारे काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दो या यूनिट्स में बांट दो, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क, और एक काम को सबको बांटने की बजाय, सबको देने की बजाय, किसी एक व्यक्ति को देने की बजाय, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके काम के, शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। मतलब पहले वो तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसको स्मॉल टास्क या यूनिट्स में बांट दो, फिर सारा काम एक व्यक्ति को देने की बजाय हर व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उस काम को बांट दो। इट विल मेक द पर्सन एक्सपर्ट एंड द एफिशिएंसी लेवल ऑफ दैट पर्सन विल आल्सो इम्प्रूव। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और वन यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। ठीक है बच्चों, समझ लग गया कि सारा काम आप स्मॉल टास्क में बांट दो, कि इंस्टेड ऑफ, और क्या करो कि एक काम सभी को देने की, किसी एक व्यक्ति को देने के बजाय आप उस काम के जो अलग अलग स्मॉल टास्क बनाए हैं उसको डिफरेंट अपने एम्प्लॉयज़ में या वर्कर्स में बांट दो, उनकी क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस और उनके स्किल के हिसाब से, जिससे वो पर्सन काम करने में एक्सपर्ट तो हो जाएगा और उसका एफिशिएंसी लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके? बच्चों, इससे फ़ायदा क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब कि इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और इसके नुकसान क्या है? वायलेशन के, मतलब कि यदि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा तो नुकसान क्या होंगे? सबसे पहले नुकसान इसका जो होगा वो है लैक ऑफ एफिशिएंसी, नो डाउट एफिशिएंसी नहीं रहेगी, नो स्पेशलाइजेशन एंड चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और काम भी डुप्लीकेट हो जाएगा। एक काम हो सकता है दो व्यक्ति करने लगे, अगर आपने काम को ठीक तरीके से नहीं बांटा हुआ। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। बच्चों, इसमें अगर हम बात करें कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टास्क देना, काम देना। सो अथॉरिटी मीन पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कम्प्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। कि आपको अगर एक काम दिया गया है, आपको वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करके देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी ए बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में समानता होनी चाहिए, जितना आपको काम दिया गया है उतनी ही आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और जितनी आपके पास अथॉरिटी है उसके बराबर की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कम्प्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। अंडरस्टूड है ये तो? ठीक है, अब है कि उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सही चीज़ है, और अगर आपके पास अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तब भी अब वो व्यक्ति की काम की आउटपुट ठीक नहीं आएगी और वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कम्प्लीट कर पाएगा। उसके बाद अथॉरिटी अगर ज़्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वो अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ करेगा अथॉरिटी का, और यहाँ पे वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं इस प्रिंसिपल को लगाने के? सबसे पहला फ़ायदा है नो यूज़ ऑफ अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ नहीं करेगा और काम में कोई डिले नहीं होगा, नो डिले इन परफॉर्मेंस। और उसके बाद अगर हम बात करें अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है, डिले इन वर्क। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा कि काम में देरी होगी, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकता है
और ओवरबर्डन, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज़्यादा दे दी तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन भी हो सकता है वो व्यक्ति, ठीक है जी। चलिए ये दो प्रिंसिपल हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। थर्ड प्रिंसिपल कौन सा है, डिसिप्लिन। बच्चों डिसिप्लिन की अगर बात करें तो डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। ये सारा कुछ डिसिप्लिन का पार्ट होता है। डिसिप्लिन का पार्ट का मतलब सिंपल बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सबका, और सारी आपको जो कमिटमेंट्स हैं वो आपको समय पर निपटानी है सारे लेवल्स पर, और जो भी पेनल्टी है वो सबको एक समान लगेगी, उनके रुतबे को देख के नहीं लगेगी। कौन सा, क्योंकि बड़ा मैनेजर है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और छोटे वर्कर्स को आप या लोअर लेवल पे जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं उन पे आप पेनल्टीज लगाते जाओ। सबको जुडिशियस होना चाहिए पेनल्टी का सिस्टम भी। सो फ्योल इंसिस्टेड दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट अ सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। सात लेवल पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। द डिसिप्लिनरी रूल शैल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट, बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल। बट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, डिसिप्लिन के लिए गुड सुपीरियर चाहिए हर लेवल पे, जो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बनाए सुपीरियर और एग्रीमेंट सबॉर्डिनेट्स का, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी भी लगता हो वहाँ पे। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे। इससे तो बच्चों क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो टोटल डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड क्योस रहेगा कि करना क्या है और कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किससे काम लेगा, हर कोई अपनी मनमर्जी करता जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा और काम में डिले तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ। बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस या सुपीरियर, ठीक है, एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कन्फ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो भी आपका एक एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर एक बॉस से ही मिलना चाहिए और वो एक बॉस को ही अकाउंटेबल रहेगा, अकाउंटेबल जवाबदेह एक बॉस को ही रहेगा, क्योंकि अगर वो उसको मोर देन एक बॉस ऑर्डर्स देते हैं या काम देते हैं तो वो कंफ्यूज रहेगा कि किसके काम को पहले किया जाए। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे यदि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी माइंड में सबॉर्डिनेट्स के, कोई ईगो क्लैश नहीं होगा और उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ईगो क्लैश दो सुपीरियर्स के बीच में भी नहीं होगा ना कि वो एक का काम कर रहा है तो दूसरे का काम नहीं कर रहा, जब पता है कि उसने किसी एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करनी है तो उसे कोई ईगो क्लैश भी नहीं होगा किसी दो मैनेजर्स में। उसके बाद वायलेशन होने से ये प्रिंसिपल पे क्या नतीजे होंगे, क्या नुकसान क्या होंगे, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू स्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात वो तो कंफ्यूज रहेगा कि किसका काम पूरा करे, या दूसरे में ये भी हो सकता है कि उसको चांस मिल जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का, क्योंकि वो दोनों को लटकाता जाएगा काम में कि भाई मैं उसका काम कर रहा हूँ और कभी कहेगा कि मैं पहले वाले का काम कर रहा हूँ, काम वो किसी का भी नहीं कर रहा होगा। ईगो क्लैश अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाने में भी दिक्कत आती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल की तरफ। बच्चों फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करता है। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मींस वन प्लान दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन डायरेक्शन दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। मतलब एक यूनिट, एक टीम, एक प्लान, एक गोल होना चाहिए, तभी वो अपने उस कॉमन गोल को जल्दी अचीव कर पाएंगे जब सारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में वो लगाएंगे। तो If the principle is applied, it lead to coordination. उसे coordination बढ़ता है। Each department and a group having common objective, और उन सबका एक common objective होता है, and must have one head and one plan only. ठीक है जी। और इसके फायदे क्या हैं?
फ़ायदे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाता है और सारे व्यक्तियों के मतलब सारे एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स हैं वो यूनिफाइड होते हैं, वो एक जगह पर ही लगते हैं। और बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वॉयलेशन के, पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दूसरा है वेस्टेज ऑफ एफर्ट, तीसरा डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने भी मुश्किल रहेगी क्योंकि तालमेल नहीं है, क्योंकि सारे एनर्जी आप अलग अलग लोग जितने भी इंप्लॉयज़ हैं अपने अपने अलग अलग गोल्स या सब गोल्स बना के बैठे हैं, तो फिर उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों सिक्स की तरफ। सिक्स क्या कह रहा है जो प्रिंसिपल है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को अपने इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सोचना चाहिए। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन गोल्स, सो ऑल द एफर्ट्स ऑफ द टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस शैल बी इन द सेम डायरेक्शन सो दैट द ग्रुप गोल इज अचीव्ड, बिकॉज ग्रुप गोल इज टू बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव शैल बी गिवन सेकेंडरी प्रायोरिटी। ठीक है बच्चों, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव्ड, जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे द ऑर्गेनाइजेशन गोल विल बी मोटिवेटेड, मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव होने पे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और उनके गोल भी फिर कंसिडर किए जाएंगे कि कैसे उनको भी प्रमोशन देनी है या इंक्रीमेंट देनी है। अगर वो टारगेट्स को अचीव नहीं करें और सिर्फ अपनी प्रमोशन और अपनी इंक्रीमेंट को ही सोच रहे हैं तो वो दोनों में से कोई गोल भी पूरा नहीं होगा। अगर वो टारगेट्स कंप्लीट कर देते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट भी उनके इंडिविजुअल गोल्स को ज़रूर प्रायोरिटी देती है फिर सेकेंड, बट वो प्रायोरिटी हमेशा सेकेंड रहेगी। प्रायोरिटी किसकी फर्स्ट रहेगी, ग्रुप गोल की, टीम के ऑब्जेक्टिव की। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब इसके फ़ायदे क्या होंगे इस प्रिंसिपल के लगने के। इससे क्या होगा कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताने वाली समझाने वाली, नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सॉरी कोऑर्डिनेशन, इसमें तालमेल बना रहता है क्योंकि इंडिविजुअल को पता है, अपने एक एम्प्लॉई को पता है कि उसका गोल तभी अचीव हो पाएगा इंडिविजुअल गोल जब वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेगा। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब वो देखा जाए तो एक इंडिविजुअल वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पहले अचीव करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे है नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। जब ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अपने गोल को ही सोची जा रहा है पहले कंप्लीट करने की या अचीव करने की, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव नहीं होगा। इवन एम्प्लॉयज विल सफ़र इन लॉन्ग रन, और इसमें लॉन्ग रन में एम्प्लॉयज़ ही सफ़र करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स की तरफ, सेवन्थ प्रिंसिपल। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, फेयरली और एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सके। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वो जिस लेवल पे भी हैं उसका भी एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर सके जिस भी लेवल पे वो हैं। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी, और ये भी देखना है साथ के साथ कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है इतनी सैलरी देने की जितना वो एम्प्लॉय डिजर्व करता है, एंड ऑल्सो मैचिंग विद द कम्पिटिटर्स, और मार्केट में जो कम्पिटिटर है उनका भी ध्यान रखना कि क्या वो उसके बराबर की सैलरी दे पा रहे हो आप जितना आपका कंपिटिटर अपने एम्प्लॉयज़ को दे पा रहा है। और उसके साथ साथ एक चीज़ का और का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं मिनिमम सैलरीज को लेके, एटलीस्ट वो तो आपको देना ही पड़ेगा नहीं तो गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेगी। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड एंड डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बना रहता है। जब एम्प्लॉयज़ को फेयर रेमुनरेशन मिलती है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं और अपना काम पूरा डिवोशन के साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके प्रिंसिपल ना लगने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने वायलेट किया इस प्रिंसिपल को, तो इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी ठीक तो वो छोड़ के चला जाएगा और यहाँ डिससेटिस्फाइड रहेगा और डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा एक खतरनाक व्यक्ति होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यस, अगला एट्थ प्रिंसिपल है बच्चों, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
बच्चों सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी पावर्स कुछ हाथों में या एक टॉप लेवल के हाथों में ही रहना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपने मैनेजमेंट के हर लेवल में पावर्स को बांटा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फ्योल नो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फुली सेंट्रलाइज और फुली डिसेंट्रलाइज। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्योल ना तो पूरी कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। द डिसीजन टू सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिपेंड अपॉन नेचर साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसीजन है सेंट्रलाइज का या डिसेंट्रलाइज करने का वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे, उसके साइज पे और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, बेनिफिट रहेगा किसका, सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और जो जो जैसे जैसे मैंने बताया कि नेचर साइज और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेबल होगा तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है बच्चों, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन डिले इन एक्शन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रिजल्ट्स इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी, और पूरी तरह जो डिसेंट्रलाइजेशन करने से कई बार अथॉरिटी भी मिसयूज हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बच्चों जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो क्या कहता है, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। फ्योल इंसिस्ट कर रहे हैं कि दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की टू दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। तो मान लो ये टॉप मैनेजर है आपका और ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अथॉरिटी मतलब इस तरीके से रैंक्स के हिसाब से आपको ये स्केलर चेन बनानी है, सबसे ऊपर ये, उसके नीचे ये है। ठीक है, अब वो कहता है कि व्हाट इज गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब है इट परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन। देखो यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि ये व्यक्ति इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको देगा, ये अपना काम इसको काम करके देगा, ये इसको काम करके देगा, ये इसको, और ये अपने सीनियर को काम करके देगा। ये बात समझ लगी, ये चेन कहता वो ब्रेक नहीं करनी। पर गैंग प्लैंक में क्या कह रहा है कि अगर इस व्यक्ति को इधर बात करनी है, इस व्यक्ति को अगर इधर बात करनी है, इस डिपार्टमेंट वाले ने इस डिपार्टमेंट वाले को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो वो सेम लेवल के बंदों के साथ ही बात करेंगे। अगर इसको कोई मैसेज पास ऑन करना है तो वो अपने लेवल के बंदे के साथ ही बात करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट के। तो अगर ये इस व्यक्ति को इधर कोई मैसेज पास ऑन करना है तो वो अपने सेम लेवल के व्यक्ति से ही, एम्प्लॉय से ही बात करेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है बच्चों, तो इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, इससे फ़ायदा होगा सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। ठीक है जी, मतलब अगर ये व्यक्ति इसको सरपास करके सीधा मैसेज यहाँ तक पहुँचाता है तो मिस कम्युनिकेशन हो गया ना, ये तो आपने आउट ही कर दिए दोनों, इनको तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, आपने अगर इन्फॉर्मेशन सीधा इधर पास कर दी, इन दोनों व्यक्तियों को इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो इन दोनों व्यक्तियों में मिस कम्युनिकेशन हो गया ना, क्योंकि सीधा मैसेज इस तक आ गया, इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है या उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है, कम्युनिकेशन गैप रहता है और नो क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर है जब आपने ये इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति ने, टॉप लेवल वाले ने सीधा इस तक पहुंचाई, तो आपने वो सारी चेन अपनी हिला दी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ख़त्म ही कर दी, बॉस तो लगता ये अब हो गया, इन दोनों की तो पोजीशन ही आपने ज़ीरो कर दी जब सीधा मैसेज आपने इस तक पहुँचा दिया, तो इनकी तो ज़रूरत ही ख़त्म कर दी आपने। ठीक है, तो ये इसका नुकसान होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर का क्या मतलब है, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डजंट मीन्स कमांड बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन मटीरियल दैट इज इट हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्योल राइट मैन मटीरियल एंड मशीन शैल बी एट द राइट प्लेस। मतलब पर्सनस मटीरियल और मशीन्स का एक पर्टिकुलर पोजिशन, एक जगह होनी चाहिए, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, डिफाइंड प्लेस होना चाहिए। रोज़ रोज़ आप उस पोजीशन को, उस स्पेस को, उस जगह को चेंज नहीं करोगे, कभी आपका मैनेजर इस जगह काम कर रहा है, कभी किसी जगह काम कर रहा है और बाकी लोग उसको ढूंढी जा रहे हैं।
कभी आपने कोई एक सामान एक जगह स्टोर में रख दिया, कभी उसी को उठा के दूसरे फ्लोर पर रख दिया, कभी प्रोडक्शन फ्लोर पर रख दिया, तो मुश्किल हो जाएगा उसको ढूंढना। उसी तरीके से हर मशीन की भी एक जगह निश्चित होनी चाहिए कि ये मशीन यहीं पर रहेगी। उसे फ़ायदा क्या होता है? नो वेस्टेज इन टाइम इन सर्चिंग मैन एंड मटेरियल, समय वेस्ट नहीं होगा मैन और मटेरियल्स को ढूंढने का, और स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की। और बच्चों इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं वायोलेशन के? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है जी, और दूसरा नॉट एबल टू कंटेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। एक तो वेस्टेज होगी क्योंकि समय पर नहीं मिल पा रहे, और उस पर टाइम तो सबका वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगी सामान और आदमी को ढूंढने में भी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेवंथ क्या कह रहा है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बच्चों प्रिंसिपल इक्विटी का मतलब है इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। अब यदि आप अपने एम्प्लॉयज को काइंडनेस और जस्टिस के साथ डील करते हो तभी आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। इफ़ अ मैनेजर इज़ बायस्ड इन डीलिंग विद द एम्प्लॉयज देन एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स लीव्स रूल्स इन द सेम वे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड पोजिशन एंड जेंडर। वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो लीव के रूल हैं, जो डिसिप्लिनरी रूल हैं, वो सभी पे एक समान होने चाहिए। उस पे कोई ग्रेड पोजीशन जेंडर रीजन रिलीजन इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। यहाँ इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक समान सैलरी देनी है, कि मैनेजर को भी एक समान सैलरी देनी है और पीएन को भी एक समान सैलरी देनी है, ये बात नहीं हो रही। इक्विटी का मतलब जस्ट काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, जो जिस लेवल पे है उसके हिसाब से आपको उनमें कोई भेदभाव नहीं करना। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन क्या रहेंगे बच्चों? डिससेटिस्फेक्शन रहेगा एम्प्लॉयज में और वो जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, और ये एक अनहेल्दी रिलेशन बनाएगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। क्योंकि अगर वो जेंडर बाइस हो जाता है या सिर्फ पोजिशन के हिसाब से लोगों के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, उनके रैंक के हिसाब से उसके उनको ट्रीटमेंट कर रहा है, तो फिर वो अनहेल्दी रिलेशन हो जाएंगे। एम्प्लॉय कभी भी अपने सुपीरियर की बात नहीं मानेगा मन से, और मोटिवेटेड भी नहीं रहेगा और काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। वो है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका क्या मतलब है? कि देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। ना ही आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी जल्दी निकालोगे जॉब से, ना ही उनको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। आपको अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देनी है, बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब एम्प्लॉयज कैनॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम। अगर आप उसमें इनसिक्योरिटी रहेगी कि उसको कभी भी निकाला जा सकता है, डरा धमका के उसको रखोगे, परेशान करके रखोगे, तो वो कभी भी अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा। नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। वो कहता है सिर्फ निकालने की बात नहीं है, आप इतनी जल्दी किसी भी व्यक्ति की ट्रांसफ़र करोगे या उनकी जॉब चेंज करते रहोगे उसको भी अवॉइड करना है। क्योंकि इट टेक टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन ए न्यू जॉब। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समय लेता है जब वो नई जगह पर जाता है, नई जॉब में आता है, उसकी बार बार आप जॉब रोटेट करते जा रहे हो या एक टाउन से दूसरे टाउन भेजते जा रहे हो, तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है। एंड By the time he gets settled, he receive transfer order। और जब तक कि वो नई जॉब में सेटल होता है आप उसकी फिर ट्रांसफ़र कर देते हो, then it will be wastage of resources। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट इस प्रिंसिपल के लगने से क्या होगा कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, उनकी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ेगा, और नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है जी, और अगर आपने ये प्रिंसिपल वायलेट किया तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग न्यू जॉब। बार बार वो नई जॉब सीखने में अपना टाइम और एनर्जी लगाता जाएगा, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है। और फ्रस्ट्रेटिंग और डिससेटिस्फेक्शन रहेगी एम्प्लॉयज में। वो फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे और डिससेटिस्फाइड भी रहेंगे जब उनको आप बार बार निकालने की धमकी दोगे या ट्रांसफर करते रहोगे। अब है 13th इनिशिएटिव। बच्चों इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन।
Fiol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. वो कह रहा है कि आपको employees को management को management में decision making में उनको शामिल करना है, plan बनाने में उनको और execute करने में उनको भी involve करो. It give immense satisfaction to the employees. इससे उनको satisfaction मिलती है. So managers must welcome the suggestions and ideas of employees before framing the plan. The initiative doesn't mean disobedience. Initiative लेने का मतलब ये नहीं कि वो disobedience करेंगे, कि एक बार decision जो फिर ले लिया टीम ने वो सारे employees को मानना पड़ेगा, whether it is according to employee suggestion or not. मतलब चार पांच लोगों से suggestion लिया, manager को तो किसी एक का suggestion ही follow करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अब उससे दूर भागेंगे या उसको goal को achieve करने में मदद नहीं करेंगे, कि हमारा suggestion तो माना नहीं, हम involvement क्यों दिखाएं अब. ठीक है जी, ऐसे नहीं. इनिशिएटिव लेने का मौका सबको मिलना चाहिए, और फिर जब एक रोल एक गोल या प्लान डिसाइड हो गया वो सबको मानना पड़ेगा, सबको अचीव करना पड़ेगा. इसके बच्चों पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, और उसके बाद एम्प्लॉई अचीव द टारगेट ऑन टाइम, क्योंकि उसके गोल को उसके प्लान को उसको उनको इन्वॉल्व किया गया है तो वो भी टाइम पर उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा. ठीक है बच्चों, अब आगे है एम्प्लॉई विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. तो अगर आपने ये प्रिंसिपल नहीं लगाया तो आप एम्प्लॉई अपने कभी भी बेस्ट को नहीं दे पाएगा. ठीक है जी, और डीमोटिवेशन रहेगी एम्प्लॉयज़ में, वो चलो भी जो करना अपनी मर्जी करते रहो, हमसे तो आप पूछते नहीं हो, ये परेशानी में रहेंगे फिर वो. ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट प्रिंसिपल जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है एस्पिरिट डी क्रॉप. तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एस्पिरिट डी क्रॉप में मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट. यहाँ टीम स्पिरिट को वो इनकरेज करेंगे, यूनिटी और हारमोनी दिखानी है ऑर्गेनाइजेशन में, टीम के रूप में काम करना है. दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बच्चों, अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, मतलब ये मैं मेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है. दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स. इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ फॉर यूजिंग पेनल्टीज. और बच्चों पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, इससे टीम स्पिरिट डेवलप होती है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में आसानी रहती है. और नेचुरली इसका ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा, टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड और कोई टीम स्पिरिट नहीं होगी, हमेशा खींचतान रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है जी, हर कोई मैं और मेरे काम को देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गए हमारे 14 के 14 प्रिंसिपल, 14th प्रिंसिपल था एस्पिरिट डी क्रॉप्स. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसको देख के अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए और ये आपके लिए अच्छा खासा टॉपिक भी बन जाएगा आपकी प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए. ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ. विशिंग यू गुड लक.